ये चल रहा है, कभी व्हाट्सएप पे चल रहा है ये, कभी इस पे चल रहा है वही। हाँ चलिए, फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स की पावर 99 अपॉन 99 प्लस ऑन प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स प्लस वन देन प्रूव दैट एफ डैश वन इक्वल टू 100 एफ डैश जीरो। ये हमें प्रूव करना, एफ डैश वन इक्वल टू 100 एफ डैश जीरो। चलिए एफएक्स है हमारे पास, एक्स की पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स की पावर 99 अपॉन 99 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स प्लस वन, इसका एफ डैश एक्स निकाल दो। बोलो एक्स की पावर 100 का डेरिवेटिव 100 एक्स की पावर 99 एक्स की पावर 99 और इस तरह चलता जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x बाई 2 और x का 1, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव हो गया, पावर आ गया और ऊपर एक पावर कम, तो 100 एक्स की पावर 99 अपॉन 100 99 एक्स की पावर 98 अपॉन 99 इस तरह चलता गया प्लस 2x बाई 2 प्लस 1 गुड़ा फॉर्म बेटा। 100 से 100 कैंसिल, 99 से 99 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा एफ डैश एक्स आ गया एक्स की पावर 99 एक्स की पावर 98 प्लस एक्स प्लस 1, इसका लिख लीजिए बेटा प्लस एक्स प्लस 1। ऑनलाइन कितने स्टूडेंट है बेटा अभी कंगना, मेरे को मिला तो मुझे मिला के कितने स्टूडेंट है, कल मैं ही देख लेता हूँ। सर 7 है, 7 ही है ना, यही तो, कोई नया नहीं आया ना। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 100 अपॉन 100, तो एक्स की पावर 100 का डेरिवेटिव कर लिया हमने, तो ये आ गया 100 एक्स की पावर 99 अपॉन 100 प्लस 99 एक्स की पावर 98 अपॉन 99। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एक तो पहले 1 रखता हूँ एफ डैश 1, 1 की पावर 99, 1 की पावर 98, 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये 100 हो गया बेटा। 100 कैसे 100 हुआ देखना है सर, भाई 1 1 1 ये x तो वही 1 1 1 रखोगे तो ये तो 99 देगा और एक 1 और है, तो इसका मतलब एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी हो गई 100 हो गई। आया था मैं x का वैल्यू 1 रखा, x स्क्वायर बाय x स्क्वायर का भी वैल्यू 1 आएगा, उनका भी आएगा ये आएगा, तो 1 1 1 ये 1 1 1 ये तो वैल्यू 99 देगा कि नहीं देगा, 1 1 1 और प्लस 1 और 100। अब एफ डैश 0, एक्स की जगह 0 रखो भाई, 0 0 0 0 तो क्या आया 1 1 1 है, तो देयरफॉर एफ डैश 1 इक्वल टू 100 इनटू 1 लिख सकता हूँ और 1 की वैल्यू एफ डैश 0 हो गया प्रूफ। तो एफ डैश 1 विल बी इक्वल टू 100 एफ डैश, एफ डैश 0 0 रखो ना इसमें, 0 की पावर ये 0 0 0 0 प्लस 1, तो एफ डैश 0 किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। अब एफ डैश 1 किसके इक्वल है,
100 को 100 इंटू 1 लिख सकता था, और 1 की वैल्यू क्या है? f डेल जीरो। तो इसका वैल्यू आ गया 100 f डेल जीरो। तो देयरफॉर f डेल 1 इक्वल टू 100 f डेल जीरो, f डेल 1 इक्वल टू 100 f डेल जीरो, ये इसका वैल्यू है। और फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5 3 माइनस 6 x की पावर माइनस 9, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस, दो जने और आ गए। टेंसिंग अब कनेक्ट हो गया बेटा तेरे से? यस सर, हो गया सर। हाँ, मैंने बोला था ना वो करना पड़ेगा तेरे को, साइन इन करना पड़ेगा। यस सर। तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5 3 माइनस 6 x की पावर माइनस 9, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। बेटा अब तुम्हारी अगले 2 दिन का ऑफ है, सुन लेना बेटा सब। मैं कल बाहर हूँ और परसों तुम्हारी वजह से करना पड़ रहा है। मैं थप्पड़ मार दूंगा बेटा, क्या कर रहा है। एक्स की पावर 5 तू तो बोल देगा अगले 10 दिन तक सकरात है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5 3 माइनस 6 एक्स की पावर माइनस 9 ना एफ डैश एक्स। बेटा प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, 3 माइनस 6 एक्स की पावर माइनस 9 इज इक्वल डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, रुक जा बेटा डिवाइड मत, प्लस एक्स की पावर 5 डी बाय डी एक्स ऑफ 3 माइनस 6 एक्स की पावर माइनस 9। एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव 5x की पावर 4, तो x की पावर 5 एजिटिव, 3 का डेरिवेटिव 0 माइनस 6 एजिटिव, पावर आगे और ऊपर एक पावर कम तो मतलब माइनस 10, पावर आगे और ऊपर एक पावर कम मतलब माइनस 10। अब इसको लिख लो भाई, मल्टीप्लाई करते चलो, 3 इंटू 5 15x की पावर 4 माइनस 6 इंटू 5 माइनस 30 माइनस 9 प्लस 4 माइनस 6 एक्स की पावर 5। नहीं, ये तो हो गया आपका 54 हो गया ना, ये तो प्लस 6 प्लस 54 एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर माइनस 10 माइनस 5। तो फाइनल आंसर आ गया आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू 15x की पावर 4 प्लस 24 माइनस, ये आपका फाइनल आंसर है। एक और इसका डेरिवेटिव करना है ना तेरे को, 3 का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है, माइनस 6 तो कांस्टेंट है, मुझे सिर्फ इसका डेरिवेटिव करना है। बोलो होगा कि नहीं? बस वही तो लिखा पूरी की थोड़ी होती है, मैं तेरे से कभी कभी मैं तेरे से लिख रहा हूँ 6x² तो x का स्क्वायर है, 6 का थोड़ी, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया f डैश x इक्वल टू
फिफ्टीन एक्स की पावर फोर प्लस 24 एक्स की पावर माइनस वन। चलिए नेक्स्ट इसको लिख लीजिए। आप ध्रुव फिर गायब है, ध्रुव क्लास में तो नहीं है ना भैया? ध्रुव ध्रुव आया कि क्लास में? यस सर। अभी अभी आया होगा इसका, अभी लेट क्यों हो जाता है? सर वो लंच कर रहा था इसलिए। बढ़िया बढ़िया, लंच भी जरूरी है, बिना लंच के क्या होंगे? क्यों अपन जिंदगी है ना, अपन जिंदा किसके लिए? लंच नहीं, लंच मानो अपनी से वो बता रहा है कि वही मैं है। चलो भाई नेक्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2 अपॉन x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2 अपॉन x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस। अब देखो इसका ये एफ एक्स से सफर होगा, इसका एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे हम? एफ एक्स है हमारा 2 अपॉन x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस एफ डैश एक्स। अलग अलग का क्वेश्चन रूल लगा दो, पहले इसका क्वेश्चन रूल लगा दो। क्या बोला था भाई क्वेश्चन रूल में? देखो नीचे वाले का होल स्क्वायर, ये नीचे वाला एक भी है, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो माइनस। अब ये एक भी है, इसका डिफरेंशिएशन वन। क्या कर रहा है दोबारा देखना, अपॉन में एक्स प्लस वन आ रहा है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन अब ब्रैकेट में एजिटिव, टू का डेरिवेटिव, टू का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो, माइनस अब टू एजिटिव, एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव तो एक्स का तो वन और वन का जीरो, तो वन है, फिर माइनस, फिर वापस से इसका करो, थ्री एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, थ्री एक्स माइनस वन ब्रैकेट में लिखना, ऊपर का डेरिवेटिव करो एक्स स्क्वायर, नहीं बता रहे तेरे को क्यों, मैं क्या बोल रहा हूँ, पावर आगे और ऊपर एक पावर कम कर, टू एक्स माइनस, अब एक्स स्क्वायर एलिजी थ्री एक्स का थ्री और वन का जीरो, थ्री एक्स का डेरिवेटिव। अब इसको सॉल्व करोगे, ये जीरो हो गया माइनस टू, माइनस ब्रैकेट में ये इसको ब्रैकेट लगा दिया, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री एक्स माइनस वन का होल, माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स अपॉन थ्री एक्स माइनस वन का, इसका डेरिवेटिव किया, छोड़ देना इसके आगे खोलूंगा, दिस इज एफ डैश एक्स। लिख लिया हो?
बस बस नेक्स्ट लीजिए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एपेक्स इक्वल टू ये मैंने कल दिया था देखते हैं कितना ने किया है वैसे करा तो नहीं मुझे लग नहीं रहा नहीं नहीं सिक्स वन चलो मैं बता तो देता हूँ एक बार देखिए भाई बोलना मत भाई अब आंसर मत बोलना इनको बता दें दो जी इसका मुझे डायरेक्टली निकालना है पहले लेकिन डायरेक्टली डायरेक्ट मत निकालना इसको सिंप्लीफाई करो भैया एक्स एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ गया एक्स प्लस वन और नीचे एक्स एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस वन एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो एफ एक्स हो गया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन ये हमारा एफ एक्स है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन नाउ एफ डैश एक्स जो भी अपॉन में है उसका होल स्क्वायर x माइनस वन एच डी ऊपर वाले का डिफरेंशियल डायरेक्ट बोलो वन तेरे को आ रहा है वन कैसा है x का डेरिवेटिव वन और वन का जीरो माइनस ब्रैकेट में x प्लस वन नीचे वाले का डेरिवेटिव वन अब इसको ओपन कर लो f डैश x इक्वल टू x माइनस वन माइनस x माइनस वन अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर तो आंसर आ गया माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कोई दिक्कत है किसी को हो गया लेकिन बता दूं मैं कि इस तरह से करते थे अभी करवा देते तो ये इसका डायरेक्टली इस तरह से होगा लिखो ट्वेंटी नाइन में क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस टेन एक्स इसको मुझे डायरेक्टली करना तो हमें इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना है भाई एड्रेस है एक्स प्लस एक एक्स नेगेटिव और एक्स माइनस टेन एक्स नेगेटिव किसी का भी अपन तो पहले लेकिन अपन हाँ अपन क्या सिस्टमेटिक चल रहा है वैसे किसी का भी कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल अब एक्स प्लस एक एक्स नेगेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टेन एक्स माइनस टेन एक्स वन प्लस सेकेंड टेन एक्स बेटा देखना ऑनलाइन एक्स का डेरिवेटिव वन और सेकेंड का सेकेंड टेन एक्स अब ये वन और टेन एक्स का सेकेंड स्क्वायर इनका डेरिवेटिव हो गया अब मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है पहले एक्स से कर लो दोनों को एक्स प्लस एक्स सेक एक्स टेन एक्स माइनस टेन एक्स माइनस सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स माइनस सेक क्यूब एक्स तो हमारा आंसर आ गया टू एक्स
बस बाकी तो यही दे रखा होगा कि कुछ सिंप्लीफाई कर रखा है, यही दे रखा होगा मेरे सर। क्यों भाई अनुभव? यही दे रखा है, जरूरत नहीं है, ये इसका डायरेक्टिव हो गया। देख लीजिए बेटा, इसके अलावा कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं तो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल पर आ रहा हूँ। चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल करते हैं। बेटा सभी लिखेंगे इसके बाद डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब होता है उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, मतलब प्रूव करना है उसको ये आया कहां से। देखो अब इसका लॉजिक क्या होता है, जिन्होंने स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया उनको चीजें समझ में आएगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं समझा दूंगा। अभी पहले इसको लॉजिक समझे कि भाई ये डेरिवेटिव आया कैसे, जैसे कोई भी कर लो, ये कोई कर लो, मुझे यहां पर इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। टेंजेंट मतलब जो इसको टच होती है, तो मुझे ये टेंजेंट ड्रॉ की, ये इसकी टेंजेंट। तो ये पॉइंट है आपका पी, सपोज एक्स कोमा वन या एक्स कोमा एफ एक्स, एफेक्ट मतलब वन, ये पॉइंट सी। अब जो इसका स्लोप होता है ना बेटा, स्लोप हमेशा डिफरेंशिएशन से डिनोट होता है, स्लोप होता है एफ डैश से। स्लोप क्या होता है? एफ डैश से। स्लोप को हमेशा एफ डैश से डिनोट करते, तो मुझे मतलब सिर्फ स्लोप निकालना। अब एक काम करती हूँ, तब मैं इसकी नेग्लिजिबल डिफरेंस, यहाँ तो मैं थोड़ा सा दूर इसलिए लूंगा ताकि आपको दिखे, मैं नेग्लिजिबल डिफरेंस पर एक पॉइंट ले रहा हूं भाई। पीछे की तरफ तो x माइनस है, एफ एक्स माइनस, तो ये आपकी एक कोड होगी, ये एक लाइन होगी, ये इन दोनों को ये कोड। हाँ ये स्लोप हो गया, स्लोप क्या हो गया मैंने तुम्हें y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, ये स्लोप होता है। दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है? y2 माइनस, तो y2 है बेटा fx माइनस x माइनस fx अपॉन x माइनस h माइनस x, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x, ये स्लोप होगी। यदि ये स्लोप, ये वाली लाइन, इसमें लिमिट x टू 0 लगा दो, मतलब ये नेग्लिजिबल कर दो ये डिफरेंस, तो बेटा ये टेंजेंट बन जाएगी भाई। ऐसे यदि आपने ये डिफरेंस जीरो कर दिया तो बेटा ये वाली लाइन इसमें कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी, इसका मतलब ये किसकी इक्वल आएगा, तो ये कहलाता है इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जो आप क्लास 9 और 12 में पढ़े, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड से आपने स्लोप निकाला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट साइड से डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आप डेरिवेटिव निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला यूज करूंगा राइट हैंड वाला। देखो देखो, अब मैंने आर एक और पॉइंट लिया x प्लस एच एफ एक्स प्लस एच, तो मेरी ये कोड बन गई ये वाली लाइन, इसका स्लोप क्या होगा? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और जैसे लिमिट लगाऊंगा एस टेंस टू जीरो, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये चलाता है इसका राइट हैंड डेरिवेटिव।
और यही फॉर्मूला आप डेरिवेटिव निकालने के लिए काम में लेते हो ऊपर वाला। मैंने क्या बोला, दोनों यूज कर सकते हो, लेकिन मैं ये वाला फॉर्मूला डेरिवेटिव निकालने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल में ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ये आर राइट एंड डेरिवेटिव। तो मैं डेरिवेटिव निकालने के लिए ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। आप नीचे वाला भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं यूज कौन सा करूंगा सबसे, तो ये फॉर्मूला इसलिए निकालते हैं। तो ये मैंने इसका कंसेप्ट बता दिया, वैसे तो ये 12th क्लास में काम में आएगा डेरिवेटिव, इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल से तो करना होगा ना बेटा, फॉर्मूला तो यही लगेगा बस। ये फॉर्मूला कैसे आया वो मैंने तुम्हें समझा, फॉर्मूला कैसे आया है मैंने वो समझा। तो दोनों तरफ से हमने स्लोप निकाल लिया, आपने y ही होता है हमेशा, y इक्वल टू क्या होता है fx ही, उसमें अपन ने फंक्शन में पढ़ा था रिलेशन फंक्शन। अब देखो फर्स्ट प्रिंसिपल से फॉर्मूला क्या, मतलब वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, डेफिनेशन कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। कल क्या हुआ है, वेनसडे, वेनसडे थर्सडे और क्या फ्राइडे, गुड फ्राइडे है, फिर उसके बाद सैटरडे भी, फिर उसके बाद संडे भी है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफएक्स इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 बाय, अरे चुप है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल। मुझे इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना है, जैसे कितना क्या आएगा डेरिवेटिव वैसे ही बता दो। इसका डेरिवेटिव आएगा 14x प्लस 5, लेकिन अभी हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है, ठीक है। अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब 4 मार्क्स की प्रॉब्लम या 5 मार्क्स की प्रॉब्लम,
चार मार्क की तो हटी गई, अब तुम्हारे पांच तीन और पांच की रह गई है, आपका अब रह गया एक दो तीन पांच, चार हट गया छह हट गया, पांच वन टू थ्री फाइव। चलिए देखो एफ एक्स गिवन, आप देखो कैसे करते हैं, इधर देखना बेटा, सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस नाइन, फिर मैं निकालूंगा एफ एक्स प्लस एच, हर एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख दूंगी, इसको सिंप्लीफाई कर लेना ताकि निकालने में आसानी रहे। ये मैंने इसको ओपन कर लिया और मल्टीप्लाई करके लिख दिया। नाउ f(x) लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये हम फॉर्मूला यूज करें, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रख दो जो मैंने निकाली, सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एच स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स एच प्लस फाइव एच प्लस फाइव एक्स माइनस नाइन माइनस एफ एक्स, माइनस करो सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस नाइन, कट गया सब एक्स वाली टर्म कट जाएगी भाई और कॉन्स्टेंट भी कट जाएगी, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो हमारे पास बचा सिर्फ सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स एच प्लस फाइव एच अपॉन एच, कॉमन आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एच कॉमन आ गया, सेवन एच प्लस फोर्टीन एच प्लस फाइव अपॉन एच, एच से एच कैंसिल हो गया और लिमिट लगा दो भाई, तो लिमिट लगाया तो एच टू जीरो हो गया, तो सिर्फ क्या आया भाई, और यही आ रहा था मेरा, यही आ रहा था, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है, मतलब ये काम करना है आपको फर्स्ट प्रिंसिपल का, तो फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब है आपको इस तरह से इसका प्रूफ करना है भाई कि इसका डेरिवेटिव आपका 14x प्लस 500, तो दिस इज बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। हो गया तो लास्ट एक्स तो जीरो हो गया ना, जीरो रखने पर 14x प्लस 5 आ गया, पक्का। नेक्स्ट फाइंड द डेरिवेटिव एफ एक्स इक्वल टू, सपोज साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालता हूँ भाई बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, मुझे पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये प्रूव करना है साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें निकालना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल,
एफएक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स प्लस एच साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस एच, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। क्या लगाएंगे भाई, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी लगेंगे। एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो टू कोस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी अपॉन एच, टू कोस सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। तो बेटा साइन एच बाई टू बच्चा, तो साइन एच बाई टू को, साइन एच बाई टू को वन बनाने के लिए नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई टू करेंगे नीचे। ये देखो ये साइन करिए, ये साइन एच बाई टू है, अब इसको वन बनाने के लिए इसको मैं टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी वन, और टू से टू क्या हो गया, अब लिमिट लगा दो, एच को जीरो करो तो एक्स प्लस एक्स कितना हो गया टू एक्स बाई टू, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव कोसेक्स, ये कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल। इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या होता है कोसेक्स। इसलिए हम इसका डेरिवेटिव कोसेक्स बोलते हैं। अगला कब मुझे टेन एक्स का डेरिवेटिव निकालना, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है टेन एक्स स्क्वायर एक्स, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना। ये आ रहा है ना फोन, फिर बाद में करके फोन करके मत बोलना कि सर वो दोबारा पढ़ा दूँ। हाँ तो आता है वो, तो मैं पढ़ा दूंगा लेकिन अब बने आगे मत बोलना, पढ़ाने में तो कभी मना ही नहीं किया, चाहे तू दो बार पढ़ चाहे दस बार पढ़, लेकिन सिस्टमेटिक हो तब जाके ना पढ़ाने में मजा आता है भैया। आप भी एफर्ट्स लगाए, अब ऐसे थोड़ी है सर ये पढ़ा दो तो मैं नहीं मैं पढ़ाता जाऊँ तो क्या मतलब है। थोड़े दिन की बात हो रही है बेटा, मस्ती कर लो, ट्वेल्थ में तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे सी बोलो ऐसे ही इलेवंथ में, मतलब जितने भी स्टूडेंट है इलेवंथ में रहते हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो चलता है, इसलिए चलता है क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा लोड होता नहीं, ना स्कूल का लोड होता है ना कुछ होता है, इसलिए ठीक है चल रहा है ये सिस्टम। तो इसलिए मैं भी थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाता हूँ, ट्वेल्थ वालों को भी तो रिलैक्स होने का सवाल ही नहीं होता। जो लास्ट ईयर मतलब इलेवंथ में, मतलब क्लास में भी बोल लेते थे बातें कर लेते, अभी ट्वेल्थ में बात भी नहीं कर पाते, ये हालत होती है। ऐसी चलती क्लास बिल्कुल स्मूथ, ट्वेल्थ की क्लास हमेशा स्मूथ चलती थी, पता नहीं पड़ता चालू कब की खत्म कब हुई। एफएक्स इक्वल टू टेन एक्स,
टेन एक्स को आप लिख लो बेटा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिख लो, ठीक है, इजी पड़ेगा। एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, और टेन एक्स को लिख दिया मैंने साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और इसी तरह एफ एक्स प्लस एच, तो ये हो गया टेन एक्स प्लस एच, मैं इसको लिख दूंगा साइन एक्स प्लस एच अपॉन कोस एक्स। Now limit x tends to f dash x. Limit x tends to 0 f x plus h minus f x upon h. F x plus h minus f x upon h. साइन एक्स प्लस एच अपॉन कोस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स अपॉन एच। एलसीएम ले लो, एच तो यही है, इन दोनों का एलसीएम आएगा, कोस एक्स प्लस एच आएगा, इसके जो नीचे आएगा और कोस एक्स भी नीचे आएगा, तो होगा क्या, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस कोस एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच कोस एक्स माइनस कोस एक्स प्लस एच साइन एक्स अपॉन एच कोस एक्स प्लस एच कोस एक्स। ऊपर ध्यान से देखो साइन ए को, हाँ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, ऊपर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, ए है आपका एक्स प्लस एच और बी है, तो ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन x प्लस एच माइनस एच अपॉन एच कोस x प्लस एच कोस x, एक्स से एक्स क्या हो गया, तो ये आ गया आपका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ डैश एक्स साइन एच अपॉन एच कोस x प्लस एच कोस x। साइन एच अपॉन एच की वैल्यू 1, तो हमारा एफ डैश एक्स आ गया नीचे एच जीरो करो भाई, कोस एक्स प्लस एच में है जीरो किया तो कोस एक्स इंटू कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके sec स्क्वायर, तो हमारा टेन एक्स का डेरिवेटिव आ गया sec स्क्वायर, तो ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से आपका डेरिवेटिव हो गया। अब फर्स्ट प्रिंसिपल में अभी अपनी क्लास लगेगी, अभी एक क्लास और लगेगी, मतलब इस वीक में कंप्लीट कर देंगे अपन, एक फ्राइडे और सैटरडे अपने पास है, तो फ्राइडे सैटरडे को इसको कंप्लीट कर लेंगे, और मंडे से स्ट्रेट लाइन चालू कर लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोर्स, मंडे से स्ट्रेट लाइन। चलिए तो ये आज की क्लास का पार्ट है, लिख लो आराम से, अब अगली दो दिन क्लास में है उसको देख लेना। ओके
चलो